नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी नाइन। अगर आप भी महंगाई से परेशान हैं और सुबह शाम इसे कोस रहे हैं तो अब थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि महंगे तेल से अब आपको थोड़ी राहत जो मिलना शुरू होने वाली है। सरकार का खाद्य तेलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का कदम अब अपना असर दिखाने लगा है। मदर डेयरी के बाद अडानी बिल्मर ने भी खाद्य तेलों के दाम में कटौती की घोषणा कर दी है। दिल्ली NCR में दूध बेचने वाली प्रमुख कंपनी मदर डेयरी ने अपने खाद्य तेल ब्रांड धारा की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इसके बाद अब सोमवार को देश की प्रमुख FMCG कंपनी अडानी बिल्मर ने भी अपने खाद्य तेलों की कीमतों में 10% कटौती करने का ऐलान किया है। खाद्य तेलों में आखिर ये कमी आ क्यों रही है, इसके दो कारण हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आना शुरू हो गया है और देश में खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाले शुल्क में सरकार ने कटौती की है। अडानी बिल्मर ने अपने फॉर्च्यून रिफाइंड तेल के 1 लीटर पैक की MRP 220 रुपए से घटाकर 210 रुपए प्रति लीटर कर दी है। फॉर्च्यून सोयाबीन और फॉर्च्यून कच्ची घानी सरसों तेल के 1 लीटर पैक की नई MRP अब 195 रुपए होगी, जो पहले 205 रुपए थी। अब आप ये कीमत सुनकर तुरंत बाजार मत पहुंच जाइएगा, अभी तो आपको पुरानी MRP वाला ही माल मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही नई MRP वाला स्टॉक बाजार में उपलब्ध कराएगी। इसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि सरकार ने खाद्य तेलों पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है उसकी वजह से ही खाद्य तेल सस्ते हो रहे हैं। अडानी बिल्मर के MD और CEO अंगसु मलिक का कहना है कि उनकी कंपनी कॉस्ट रिडक्शन का फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचा रही है। अंगसु का मानना है कि खाद्य तेल सस्ता होने से डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे उन्हें फायदा होगा। मदर डेयरी का धारा सरसों तेल का 1 लीटर पैक अब आपको 193 रुपए की MRP पर मिलेगा। इसकी MRP पहले 208 रुपए थी। धारा रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की बिक्री अब 220 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर होगी, जो अभी तक 235 रुपए पर बिक रहा था। धारा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का 1 लीटर पैक अब आपको 194 रुपए में मिलेगा। इसकी पहले कीमत 209 रुपए थी। मदर डेयरी ने धारा एडिबल ऑयल्स के सभी वेरिएंट्स में अधिकतम खुदरा कीमत 15 रुपए प्रति लीटर घटाई है। अगले हफ्ते से बाजार में आपको नई MRP का स्टॉक मिलने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के कारण पिछले साल खाद्य तेलों की कीमतों में जोरदार तेजी आई थी। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत हर साल करीब 1,30,00,000 टन खाद्य तेल का आयात करता है। अब जाहिर है, आयात सस्ता होगा तो खाद्य तेल भी आपको सस्ता मिलेगा।